दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक वैसे ये कंपनी काफी समय से नंबर वन पोजीशन होल्ड करके बैठी है। कुछ समय पहले ईवी इंडस्ट्री में इन्होंने दस्तक दी और इतने कम स्पैम में ही इतनी ज्यादा गाड़ियां सेल कर दी और बहुत ज्यादा सेल करते हैं। अगर सेकंड और नंबर वन पोजीशन की बात करें तो दोनों के बीच में भी 2x सेल्स का डिफरेंस है, यानी जो सेकंड नंबर में कंपनी जितनी गाड़ी सेल करती है उससे दुगना गाड़ी सेल करती है ओला कंपनी। इस कारण से नंबर वन कंपनी बनी हुई है ओला इलेक्ट्रिक। और ये जो गाड़ियां प्रोवाइड करते हैं वो बजट इकोनॉमिकल होती है विद मोर फीचर्स, और ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी इनकी काफी अच्छी और हमेशा ये कुछ ना कुछ ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं। बट अभी के टाइम में देखोगे तो ओला सिर्फ और सिर्फ पर्सनल बायर्स को ही टारगेट कर रहा है, अभी कोई और बायर्स को टारगेट नहीं कर रहा। तो ऐसे में कंपनी को अगर ग्रो करना है तो उनको सारे फील्ड में उनको गाड़ियां लॉन्च करनी पड़ेगी, और कंपनी ऐसा करना स्टार्ट भी कर चुकी है। धीरे धीरे करके वो पोर्टफोलियो को बढ़ा रहे हैं, वैसे R&D प्रोसेस कर रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ हैंड प्रोवाइड करते रहते हैं। सेम ही ऐसा एक अपडेट आज आता है भावेश अग्रवाल जी के थ्रू कि भैया वो 1 तारीख को एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले, जी हाँ मंडे को लॉन्च करने वाले एक नया प्रोडक्ट। हालांकि 1 अप्रैल अप्रैल फूल ना हो जाए, बट मेरे को लगता है कि कंपनी इतना बड़ा तो गेम नहीं खेलेगी, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो जरूर लाएगी। वैसे कुछ समय पहले ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन ओला की तरफ से आई थी कि वो कमर्शियल की तरफ जा रहे हैं और कमर्शियल के हिसाब से गाड़ी बना रहे। हालांकि कमर्शियल एज एन बाइक नहीं, एज ए 3-व्हील रिक्शा, जी हाँ रिक्शा पे काम कर रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रिक रिक्शा होगी ओला की तरफ से। और वैसे भी इलेक्ट्रिक रिक्शा वाला जो एरिया है, जो डिपार्टमेंट है, वहां पे आजकल काफी ज्यादा गाड़ियां सेल हो रही है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलती है और काफी लोग इलेक्ट्रिक टुकटुक होता या फिर उसको बोल लो इलेक्ट्रिक रिक्शा, जी हाँ उनकी ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी है, क्योंकि वहां पे कमर्शियल के हिसाब से गाड़ियां एक्चुअल में लोगों को जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रिक व्हीकल। ऐसे में अब ओला कमर्शियल के लिए भी गाड़ी लॉन्च करने वाली है, और जो ये नया प्रोडक्ट 1 अप्रैल को आने वाला है, दैट इज 3-व्हील रिक्शा, जिसका नाम होने वाला है राही। और मैं इसके बारे में ऑलरेडी एक अपडेट दे चुका और फाइनली 1 महीने के अंदर ही लॉन्च करने का था, मैं पहले बता चुका था, वो लॉन्च होने वाला है 1 अप्रैल को। और एक और न्यूज आई थी कि बाइक भी आने वाली, एक बाइक लॉन्च करने वाला है, हालांकि ये पर्सनल बायर्स के लिए है जो कि वो लॉन्च करने वाला है, बट ये अभी तक कंफर्म नहीं है, बट 3-व्हील रिक्शा तो कंफर्मड है जो कि वो 1 अप्रैल को लॉन्च करने वाला है। तो देखा जाए तो देखो ओला कंपनी धीरे-धीरे एक्सपांड कर रही है, जहां पे दूसरी कंपनियां अभी भी पर्सनल बायर्स को फोकस कर रही है, वही ओला अपने पैर पसारना स्टार्ट कर रही है। पहले तो पर्सनल बायर्स को टारगेट कर चुकी है और वहां पे ऑलरेडी अच्छा खासा कैप्चर करके बैठी है अपने मार्केट को, अब वो कमर्शियल पे भी जा रही है, क्योंकि कमर्शियल में लोकल वेंडर्स भी काफी ज्यादा है, इवन अच्छी कंपनियां भी, इवन महिंद्रा भी है भाई, बहुत सारी कंपनियां जो इलेक्ट्रिक रिक्शा सेल करते हैं और उनकी भी अच्छी खासी सेल्स होते हैं और अच्छे खासे सेल्स नंबर है और लोग परचेस करते हैं। तो ओला भी अब उस जगह पे उतर रहा है कमर्शियल पे, इलेक्ट्रिक रिक्शा शाइन कर सकते क्योंकि ओला नाम बहुत बड़ा है। तो दोस्तों आज के अपडेट में बस इतना ही था, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मिलते अगले वीडियो में, बाय बाय।